Good morning to all my online dear students. The last class we are discussing about thermodynamics of galvanic cell. और उसमें मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज उसके बताए थे. सबसे पहला वर्क डन कैसे निकालना है किसी सेल का, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कैसे निकालना है, और तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल रिएक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हमने तीन पैरामीटर्स कल देखे थे. हम लोग कल का जो टॉपिक था हमारे पास, कल हम लोग देख रहे थे, यहीं से आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं. तो हमने इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर पढ़ा था बेटा वो कौन सा पढ़ा था, वर्क डन बाय सेल. वर्क डन बाय सेल, और वर्क डन बाय सेल में हमने फॉर्मूला निकाला था, और हमारे पास फॉर्मूला आया था वर्क डन का. जो भी सेल वर्क करता है वो कौन सा वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, और इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट द चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, NF इंटू E, NFE, है ना. और अगर आपसे कभी मैक्सिमम वर्क पूछ ले कि सेल कितना मैक्सिमम वर्क करेगा, तो उस समय आपको E की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, E नॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आप उस समय न्यू सेल लेकर जब आएंगे, है ना, तो उस समय जो स्टार्टिंग में वैल्यू मिलेगी वो स्टैंडर्ड होगी E नॉट. तो ये हमने दो फॉर्मूले देखे थे. उसके बाद हमने सेकेंड पैरामीटर जो देखा था वो हमने देखा था गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले वाले आते हैं, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था आपको. गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करो तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आता है माइनस डब्ल्यू के इक्वल, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सेल. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो यहां से हमारे लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, माइनस एन एफ ई, सही है. और अगर हमसे स्टैंडर्ड में पूछ ले डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट आया था, क्लियर है. तो ये हमारे पास आए थे फॉर्मूले. और लास्ट थर्ड पैरामीटर हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम ऑफ सेल रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, एट इक्विलिब्रियम बात करो तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू किसके बराबर रख देना है आपको, उठा के जीरो के इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम आते ही एनोड और कैथोड दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, या तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाता है, किसी भी टर्म में बात करो. तो आपका ई सेल कितना हो जाता है, जीरो. और अगर आप नस्ट इक्वेशन को लगा देते हैं बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी लिखते हैं, जिसको हम लोग रिएक्शन कोशेंट क्यू बोलते हैं, ठीक है ना. इसे हम लोग क्या बोलते थे, क्यू, रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है. तो आपका ई सेल अगर जीरो हो जाएगा, मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं, इस तरीके से एक मिनट में आप डिराइव कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसको कितना रख देना है, जीरो. तो ये जीरो रखते ही आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में के इक्विलिब्रियम. तो यहां से हमने फॉर्मूला निकाला था, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना आया था, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, सही है ना, ये फॉर्मूला आया था. और अगर डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पूछे तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेने का मतलब 10^2 एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मैंने बताया आपको, खूब क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं. तो लास्ट क्लास में तीन चीजें हमने देखी थी, और इन तीनों के ऊपर एक मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाया था आपको, फेरस और AgNO3 का सेल बनाया था, है ना. पॉइंट एक का 0.01 दिया था, एक का 10^-3. तो आपसे चार चीजें पूछा था, W, W max, ΔG, ΔG0 और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये पांच चीजें पूछा था. पहले पार्ट में चार चीजें, अगले पार्ट में के इक्विलिब्रियम. तो के इक्विलिब्रियम के लिए तो केवल ई नॉट सेल की जरूरत है, आपको सेल रिएक्शन दिया होगा, ई नॉट सेल निकाल लो, आपको आंसर मिल जाया करेगा. लेकिन W और डेल्टा जी के लिए आपको ई कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो डिपेंड करेगा नस्ट इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और W मैक्स कभी पूछे, डेल्टा जी नॉट पूछे, तो भी मुझे केवल किसकी जरूरत है, ई नॉट सेल की जरूरत है. तो ये हमने तीन पैरामीटर्स कल की क्लास में देखे थे. आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं अगला पैरामीटर जो हम लोग देखेंगे, रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में. तो हमारा फोर्थ पैरामीटर है, ये हमारे कल के तीन पैरामीटर्स कवर हो चुके हैं, एक न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस कर लिया इसके ऊपर. तो नेक्स्ट पैरामीटर की हम लोग बात करें, हमारा
फोर्थ पैरामीटर तो हमारा फोर्थ पैरामीटर की बात करें तो फोर्थ पैरामीटर है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास जो फोर्थ पैरामीटर है, हमें रिलेशनशिप देखना है किसी एलिमेंट का, किसी मेटल का डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रिलेशनशिप होता है, उसे समझेंगे। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं बोलूं, इसको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोला, आपको Fe/Fe+2 दे दिए एक मेटल आयन, दूसरा दे दे आपका Fe+3 और थर्ड आपको दे दिया Fe+2/Fe+3। तो क्या इन तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पहले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तीसरे का, क्या इन तीनों की वैल्यू सेम होगी? तो हमने अगर याद हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ा था कि सबसे पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है वो होता है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। आप मेटल कौन सा ले रहे हैं और उसका कौन सा आयन ले रहे हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहला फैक्टर था हमारे पास। नस्ट इक्वेशन से पहले लिखवाया था तीन फैक्टर, एक तो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, सेकंड फैक्टर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है ना, या प्रेशर ऑफ द गैस, और लास्ट फैक्टर था टेम्परेचर। तीन फैक्टर थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा, तो आप देखो Fe से Fe+2 में जाओगे तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, Fe से आप Fe+3 में जाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि मेटल और मेटल के आयन के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल भले ही हमने Fe लिया है लेकिन उसके आयन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। Fe से Fe+2 का अलग डेटा आएगा, Fe से Fe+3 में अलग डेटा आएगा, और Fe+2 से Fe+3 में भी अलग डेटा आएगा। ये तीनों अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो हमारा काम इस टॉपिक के अंदर यही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। हमारा काम यह है कि हमें इन तीनों के अंदर रिलेशनशिप निकालना है कि इन तीनों में किस तरीके का रिलेशनशिप हमें दिखाई देगा, आखिर इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। आपको हो सकता है क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू देके आपसे तीसरा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछ सकता है। तो हम लोग एक ऐसा काम करें कि हम लोग इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर निकाल लिए तो हम लोग कोई भी दो दे देगा तो तीसरे के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। अगर हाफ सेल इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो पहला वाला क्या है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, दूसरा भी आपका मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, और तीसरा वाला मेटल मेटल आयन नहीं है, तीसरा वाला अगर याद हो तो हाफ सेल पांच टाइप के मैंने लिखवाए थे है ना, तो उसमें कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, कौन सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जिसको बोलते थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल का मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसी का रिडक्शन भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अगली क्लास में करने ही वाले हैं, हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ही पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वर्किंग होती है, किस तरीके से काम करता है। तो हमारा काम क्या है, बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, हमें करना क्या है, हमें इनके अंदर रिलेशनशिप को डेवलप करना है। तो इसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, जैसे इसके अंदर आपसे मैं क्वेश्चन दे दूं, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लेते हैं, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, क्योंकि रिलेशनशिप हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में निकालते हैं, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe/Fe+2 इज इक्वल टू एक्स कॉमा Fe/Fe+3 इज इक्वल टू वाई। अभी जैसे मैंने बताया इनका सेम कभी नहीं होगा, सबका क्या होगा, अलग अलग। तो इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe/Fe+2 इज एक्स, Fe/Fe+3 इज इक्वल टू वाई, एंड Fe+2/Fe+3 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो हमारा काम क्या होगा, इस एक्स वाई और जेड के अंदर क्या पढ़ना, रिलेशन को निकालना कि कैसे रिलेशन निकाला जाएगा। तो जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है, क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ
एफ ई ऑब्लिक एफ ई प्लस टू कितना गिवन है बेटा, एक्स गिवन है, ठीक है। सेकंड हमें गिवन है ई नॉट ऑफ एफ ई ऑब्लिक एफ ई प्लस थ्री, ये कितना गिवन है, वाई गिवन है। और थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ एफ ई प्लस टू ऑब्लिक एफ ई प्लस थ्री कितना गिवन है, जेड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, इन एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू गिवन होगी, हो सकता है आपको एक्स वाई की वैल्यू दे दे और आपसे जेड की वैल्यू पूछ ले कि इसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो हम लोग वही क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है टेक्निक क्या लगाएंगे हम लोग, जो दिया है उसी को रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, एफ ई से एफ ई प्लस टू। तो अगर इसके लिए आप रिएक्शन लिखने चलोगे बेटा तो क्या लिखोगे बोलो, एफ ई सॉलिड गिब्स एफ ई प्लस टू एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, पहले का ये लिखेंगे एफ ई गिब्स एफ ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन। सेकेंड के लिए अगर रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ ई सॉलिड गिब्स एफ ई प्लस थ्री एक्वस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले में एफ ई एफ ई प्लस टू में जा रहा है, दूसरे में एफ ई आपका एफ ई प्लस थ्री में जा रहा है, और तीसरे में प्लस टू किस में जा रहा है, प्लस थ्री में। तो थर्ड के करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, एफ ई प्लस टू एक्वस गिब्स एफ ई प्लस थ्री एक्वस, प्लस टू से प्लस थ्री में गया और चार्ज किधर, इधर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग ये रिएक्शंस लिखी जाएंगी, जो तीन हमें गिवन होगा आपको करना इसी तरीके से काम है। इसके लिए हमें वैल्यू गिवन है, इसका ई नॉट गिवन है कितना बेटा एक्स, दूसरे का ई नॉट गिवन है कितना वाई, और तीसरे का ई नॉट गिवन है हमारे लिए कितना जेड। ये तीनों डेटा हमें गिवन है। अब हम लोग करते क्या, हम लोग ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि किन्हीं दो रिएक्शंस को मैनिपुलेट करके तीसरे रिएक्शन को निकाला जाए, इन तीनों में से किसी भी दो को इस तरीके से मैनिपुलेट करो ताकि आप थर्ड रिएक्शन को ऑप्टेन कर सको। तो मान लो मैं इस थर्ड रिएक्शन को पाना चाहता हूं, तो मैं इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से यह थर्ड रिएक्शन पाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस साइड एफ ई प्लस टू चाहिए लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में एफ ई प्लस थ्री। तो इस रिएक्शन के राइट हैंड साइड में एफ ई प्लस थ्री है तो इसको सीधा रहने देते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड में एफ ई प्लस टू है तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं। इस रिएक्शन को जैसे ही रिवर्स करूंगा तो एफ ई प्लस टू इस साइड आ जाएगा, एफ ई आपका इधर चला जाएगा, और आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको थर्ड रिएक्शन ऑप्टेन हो जाएगी। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिखा मैंने रिएक्शन नंबर वन है, ये आपका टू है और ये आपका थ्री है, ये तीन रिएक्शन है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्सिंग रिएक्शन फर्स्ट, फर्स्ट को रिवर्स कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट को रिवर्स करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ई प्लस टू एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिब्स क्या हो जाएगा, एफ ई सॉलिड। पहले वाले रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, उल्टा, राइट को इधर डाल दिया लेफ्ट को उधर डाल दिया, तो आपका ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्या एक्स रहेगी ई नॉट की वैल्यू, कि साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ई नॉट की वैल्यू अगर एक्स है तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब सेकेंड रिएक्शन को वैसे ही रख देता हूं मैं, सेकेंड रिएक्शन क्या था, एफ ई सॉलिड गिब्स एफ ई सॉलिड गिब्स एफ ई प्लस थ्री एक्वस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके ई नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारे लिए वाई, इसको तो मैंने वैसे ही रखा है भाई। और अगर इन दोनों को मैं देखो जोड़ देता हूं, इन दोनों रिएक्शंस को अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी, कैसे, एफी सॉलिड से एफी सॉलिड कट जाएगा, यहां देखो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, दो इलेक्ट्रॉन और उधर कितने, तीन, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर तीन उधर, तो उधर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बचा रह जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा हमें, तो एफी प्लस टू एक्वस गिब्स क्या मिल जाएगा, इस साइड में एफी प्लस टू बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन है तो उधर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ ई प्लस थ्री एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या थर्ड रिएक्शन जो रिक्वायर्ड थी वो मिल गई, और आप अब यहां पे ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका ई नॉट की वैल्यू कितनी दिया था, जेड दिया था, ई नॉट की वैल्यू कितनी दिया था इस रिएक्शन का, जेड। तो अगर आप बेटा अगर ये करोगे कि आपने इन दोनों को जोड़ा है, तो ई नॉट की वैल्यू को भी आप क्या करोगे, उठा के जोड़ोगे, तो आप यहां से ई नॉट कितना लिखना चाहोगे, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, और यही ई नॉट किसके बराबर है, जेड के। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, यह आएगा आंसर, ऐसे ही करेंगे। लेकिन यह आंसर 99% स्टूडेंट का यह आंसर आएगा, जो कि क्या है, गलत है, यह क्या है, गलत है, यह सही नहीं है। देखो करना काम यही है, लेकिन आंसर को मैंने क्या कह दिया कि गलत है, यह आंसर सही हमारे लिए नहीं है।
तो अभी तक आप बोलेंगे कि सर अभी तक तो हम लोग ई नॉट जो भी रिएक्शन हो रहा था उनमें डायरेक्ट जोड़ देते थे, जब सेल रिएक्शन कंप्लीट लिखते थे तो ई नॉट को निकाल देते थे दोनों रिएक्शंस को जोड़ के, अभी क्या गलती हुई है यहां पे? तो अभी गलती ये हुई बेटा, जब हम लोग सेल रिएक्शन निकालते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसल आउट होता है। अगर ऊपर दो इलेक्ट्रॉन तो नीचे भी दो ही इलेक्ट्रॉन होता था, ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था तो नीचे तीन इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते थे पहले स्टेप में एनोड हाफ सेल रिएक्शन में, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? सेम। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन, और अगर इक्वल नहीं होते थे तो इक्वल पहले उन्हें बनाया जाता था, है ना। यहां पे भी मैं अभी समझाऊंगा कि अगर इसको तीन से मल्टीप्लाई किया, इसे दो से किया तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो अभी मैं समझा रहा हूं उसे भी। पहले ये हम लोग समझ गए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल नहीं है बेटा तो आप ई नॉट को कभी भी डायरेक्टली एड नहीं कर सकते, मतलब ये तरीका क्या हो गया गलत, आप कभी भी डायरेक्टली एड नहीं कर सकते। ई नॉट को डायरेक्टली एड क्यों नहीं कर सकते? तो ई नॉट एक तरीके का, पहले ही मैंने बताया किस तरीके की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कभी आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इंटेंसिव का मतलब होता है जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, ये बताया है मैंने पहले भी आपको, जब नस्ट इक्वेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तब बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर एक तरीके का कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप एक ग्लास में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ले लो, दूसरे ग्लास में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो और दोनों को मिक्स कर दो, तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि 50-50 जोड़ा तो 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो 50 के आसपास ही रहेगा टेम्परेचर, 100 वो कभी होने वाला नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते उनको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जेई 2009 का क्वेश्चन ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग, जेई में आईटी में आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तरीके का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो साइज अमाउंट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आप कभी भी डायरेक्ट ई नॉट को जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा है तो जोड़ नहीं सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट होता तो आप ई नॉट को आसानी से जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये अगर लगाएंगे तो ये इससे आंसर क्या हो जाएगा, गलत। करेंगे हम लोग इसी से, इसमें कुछ गलत नहीं है, जितना हमने लिखा है सब काम का है, करना इसी अप्रोच से है, पर ई नॉट के टर्म्स में नहीं करेंगे इसको, हम लोग करेंगे डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में। डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में क्यों? तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन डेल्टा जी नॉट क्या है? डेल्टा जी नॉट हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी है, और एनर्जी तो हमेशा ही आपका अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एनर्जी जैसे आपने एक चम्मच ग्लूकोज डाल के पी लिया, दो चम्मच डालोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी दो चम्मच में, तो डेल्टा जी से हम लोग डील करेंगे, ई से कभी भी से इस तरीके के प्रॉब्लम को डील नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब डेल्टा जी की बात करो, अगर मान लो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू एक्स होती, तो अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा ना। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा डिपेंड करेगी अमाउंट के ऊपर। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम को इस तरीके से कभी भी डायरेक्टली डील हमें नहीं करना है। इतने देर से मुझे इतना सब बताने का मीनिंग केवल यही था कि आप ई नॉट को डायरेक्टली कभी ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि E नॉट एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली ऐड नहीं होती। क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, लेकिन किसके टर्म्स में? डेल्टा G नॉट के टर्म्स में करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं नीचे, कि जो सेल पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उनको कभी भी डायरेक्टली आप ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग यही लिखेंगे, सेल पोटेंशियल या इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड। इनको कभी भी आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, सेल पोटेंशियल कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड because it is an intensive property. Intensive और extensive काफी डिटेल में हम लोग thermodynamics जब पढ़ते हैं तब और सीखते हैं हम लोग, है ना। कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपको याद हो तो जब मैं एजी वाला रिएक्शन लिखता हूं, एजी प्लस
प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी, जब हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी, तो देखो उसमें दो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी मुझे दो क्वेश्चनों में, लेकिन मैंने ई नॉट के अंदर दो से मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना, क्योंकि ई नॉट साइज के ऊपर कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मान लो एजी प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी का डेल्टा जी नॉट एक्स होता, तो अगर दो से मल्टीप्लाई करते तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाता, 2x। तो डेल्टा जी नॉट को आप जोड़ घटा सकते हो, ई नॉट को कभी नहीं कर सकते। सेल्फ पोटेंशियल कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाइल व्हाइल डेल्टा जी नॉट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which can be directly added। तो आप डेल्टा जी नॉट को डायरेक्टली एड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सेल पोटेंशियल को हम लोग केवल तभी एड कर सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे से कंप्लीटली क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो इस बात को भी नोट करा के मैं लिखवाई देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा, सेल पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली एडेड, सेल पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली एडेड, कैन बी डायरेक्टली एडेड व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली कैंसल्ड आउट कर दोगे तब आप ई नॉट को आसानी से जोड़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसल्ड आउट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ई नॉट को यहां पे जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिमाग में करना इसी से है प्रोसेस, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा रिएक्शन, करना इसी से है, लेकिन हम लोग डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में करेंगे, ई नॉट के टर्म्स में हम लोग नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को डील। तो पहले मुझे गलती करके दिखाना था कि गलत कैसे करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अब इसे सही अप्रोच से करेंगे। तो आप देखो, आपको हमारे पास क्या क्या गिवन था बेटा, आप उनको लिख लिया करो। अब जो मैं बता रहा हूं बस आपको ये अप्रोच लगा देना है, ये दिया था हमारे पास, इसकी वैल्यू एक्स दी थी, सेकेंड हमारे पास था ई नॉट ऑफ एफ ई ऑब्लिक एफ ई प्लस थ्री का दिया था हमें वाई, और हमारे पास फाइनल रिएक्शन था ई नॉट ऑफ एफ ई प्लस टू ऑब्लिक एफ ई प्लस थ्री, इसका कितना दिया था जेड। तो आप करना उसी काम से है, बस इसे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी नॉट किया जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में करेंगे। और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, कल की क्लास में हमने देखा था डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट, तो इससे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसे पहले लिख लो, इसका रिएक्शन एफ ई गिव्स क्या हो जाएगा आपका, Fe प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब मैं सॉलिड एक्वस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, Fe गिव्स Fe प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट कितना गिवन था हमारे लिए बेटा, X गिवन था, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन थी हमारे लिए Fe गिव्स Fe प्लस थ्री प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट कितना गिवन था हमारे लिए, Y। और थर्ड रिएक्शन की बात करूं अगर मैं, तो हमारा Fe प्लस टू गिव्स Fe प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नॉट कितना गिवन था, जेड, ठीक है। और हमें अभी मैंने जैसा आपको बताया कि हम फर्स्ट को क्या करेंगे रिवर्स और सेकंड में जोड़ेंगे तो हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी, तो वही काम फिर से करना है, रिवर्सिंग फर्स्ट रिएक्शन, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करते ही क्या मिल जाएगा हमें, Fe प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। और जैसे ये करोगे आपका E नॉट बेटा X की जगह पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस X हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन को मुझे सेम टू सेम लिखना है, Fe गिव्स Fe प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट गिवन है कितना, Y। और इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ता हूं मेरे पास कौन सी रिएक्शन आती है, थर्ड वाली रिएक्शन, क्या आ जाएगा, Fe प्लस टू गिव्स, क्योंकि Fe से Fe कैंसिल आउट हो जाएगा ना, Fe प्लस टू गिव्स Fe प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट कितना दिया है, जेड। तो देखो लिखोगे तो आप अभी भी, करना तो आपको वही काम है, बस अब इसमें एक काम बढ़ जाएगा, E नॉट के टर्म्स में डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इनका डेल्टा G नॉट यहीं पे निकालेंगे। जैसे देखो पहले का डेल्टा G नॉट वन निकालो, पहले का क्या निकालो, डेल्टा G नॉट वन, और G नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो एन की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, दो। देखो डेल्टा जी नॉट का यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस एन एफ ई नॉट। तो डेल्टा जी नॉट वन, पहले रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट वन निकालो, क्योंकि इन्हीं दोनों से जोड़ने से मिलने वाला था,
तो डेल्टा जी नॉट वन निकालो तो कितना लिखोगे, माइनस टू इंटू एफ इंटू, एन की जगह पे दो है ना, टू इंटू एफ इंटू ई नॉट की जगह पे कितना है बेटा, माइनस एक्स, माइनस एक्स, तो ये डेल्टा जी नॉट वन हो गया। सेकेंड के लिए क्या निकालोगे, डेल्टा जी नॉट टू निकालोगे, सेकेंड के लिए क्या निकालोगे, डेल्टा जी नॉट टू। तो डेल्टा जी नॉट टू निकालने के लिए देखो एन की वैल्यू कितनी है, तीन, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी है, वाई, इसी फॉर्मूले में डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, वाई प्लस का वाई है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद थर्ड रिएक्शन मिलती है, थर्ड का भी डेल्टा जी नॉट निकाल लो, डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन का अगर डेल्टा जी नॉट को निकाला जाए, ये भी खूब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, खूब क्वेश्चंस इस पे भी मिलते हैं। थर्ड के लिए निकालोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, वन, तो आप लिखोगे माइनस वन इंटू एफ इंटू, वाई की वैल्यू कितनी है इसके लिए, ई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, जेड, ठीक है। तो हमें करना किसके टर्म्स में, डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में, और मुझे दिख रहा है थर्ड रिएक्शन मुझे पहले और दूसरे के जोड़ने से मिली है, और एनर्जी एक तरीके का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो थर्ड रिएक्शन डेल्टा जी नॉट थ्री पहले और दूसरे के जोड़ने से मिली है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी नॉट थ्री विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ वन प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ टू, क्योंकि थर्ड रिएक्शन हमें किससे मिली है, थर्ड वाली वैल्यू, थर्ड वाली पहले दूसरे को जोड़ने से। तो डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस वन इंटू एफ इंटू जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट वन की जगह पे रख दो, माइनस टू इंटू एफ इंटू माइनस एक्स, प्लस डेल्टा जी नॉट टू की जगह पे रख दो कितना, माइनस थ्री इंटू एफ इंटू वाई, ठीक है। उन इन तीनों वैल्यूज को बस मैंने यहां पे रख दिया। अब आसानी से देखो आपका एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचा बेटा, माइनस जेड इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा, टू एक्स, और ये देखो माइनस थ्री वाई। तो यहां से अगर कोई जेड पूछे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड विल बी इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 3y माइनस 2x, तो आपको इस तरीके से अप्रोच लगा के क्वेश्चन को डील करना है। करना किसके टर्म्स में है, डेल्टा g नॉट के टर्म्स में, ध्यान रखना इस चीज को, करना किसके टर्म्स में है, डेल्टा g नॉट के टर्म्स में सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को, आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे, आपको क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दिया होगा, आपको z की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके x ये पहले निकालेंगे और फिर xy की वैल्यू डालो, तो न्यूमेरिकली आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगाने का अप्रोच हमेशा किससे जाना है, डेल्टा जी नॉट से, ध्यान रखना है ना, कभी भी ई नॉट को डायरेक्टली जोड़ घटा के नहीं करना, किससे करोगे, डेल्टा जी नॉट से, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें एक और तरीका मैं बता दूं, ये तो एक तरीका हो गया अपने पास इस तरीके से डील करने का, ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, पर बेसिक अप्रोच यही है, सॉल्व तो इसी मेथड से करना ज्यादा अच्छा होता है। पर आप देखना कभी कभी बुक्स में आपको इसी को लैटिमर डायग्राम भी लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी बुक्स में लैटिमर डायग्राम करके लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो लैटिमर डायग्राम इसी से बनता है। देखो कैसे होता है, आपको एपी से एपी प्लस टू, एपी से एपी प्लस थ्री, एपी प्लस टू से एपी प्लस थ्री, तो आप क्या करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चार्ज को रखते हैं। जैसे देखो सबसे पहले कौन सा था, एपी प्लस थ्री, एपी प्लस थ्री से क्या बना हमारे पास, एपी प्लस टू, और Fe प्लस टू से फाइनली आपको क्या मिला है बेटा, Fe, तीन है ना, प्लस टू जीरो वाला भी है, प्लस टू वाला भी, प्लस थ्री वाला भी, इन तीनों को इस तरीके से ले लो, और एक डायरेक्ट कन्वर्जन है आपका, देखो Fe से Fe प्लस थ्री, मतलब Fe प्लस थ्री से Fe, इस तरीके से आप कर लो। तो ये डायग्राम के फॉर्म में अगर बनाओगे तो इसी को लैटिमर डायग्राम बोल दिया जाता है, कोई विशेष चीज नहीं है, इसी का फॉर्म है, लैटिमर डायग्राम बोल देते हैं। अब इनके इलेक्ट्रोड की वैल्यूज को लिखो, एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, आप पहले हाईएस्ट चार्ज रखो, फिर कम करो, है ना, और डायरेक्ट एक लिंकिंग करा दो, क्योंकि एफी एफी प्लस थ्री का लिंकिंग है, तो उसे भी मैंने लिंक करा दिया। अब देखो जरा सा, एफी प्लस टू से एफी प्लस थ्री, एफी प्लस थ्री से एफी प्लस टू, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। एफी प्लस टू से एफी में जाना, तो हमें एपी से एपी प्लस टू का पता है कितना, एक्स है, एपी से एपी प्लस टू का कितना है बेटा, एक्स, तो एपी से एपी प्लस टू का अगर एक्स है, एपी से एपी प्लस टू का एक्स है, तो एपी प्लस टू से एफी का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो कितना है, दो से उसमें जीरो में जाना, मतलब कितने का एक्सचेंज है बेटा, दो का,
कितने का एक्सचेंज है? दो का। और यहां देखो प्लस थ्री से प्लस टू में जाने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का एक्सचेंज है? वन का। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन से दो मतलब एक का एक्सचेंज, दो से जीरो मतलब कितने का? दो का एक्सचेंज। एफी से एफी प्लस टू की वैल्यू एक्स थी, ये प्रॉब्लम में इतना गिवन था, हमारे पास ये सब नहीं था, अब ये गिवन है केवल। तो एफी से एफी प्लस टू का कितना दिया है? एक्स दिया है। तो एफी प्लस टू से एफी का कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नीचे लिख लिया करो, ठीक है। और एफी प्लस टू से एफी प्लस थ्री का कितना दिया है? जेड। तो हमें एफी प्लस थ्री से एफी में जाना है, तो एफी से एफी प्लस थ्री का कितना है? वाई। तो एफी प्लस थ्री से एफी का कितना हो जाएगा? माइनस वाई। तो यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? माइनस वाई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो तीन से जीरो में जाने का मतलब कितना हो गया? थ्री। तो इस तरीके से एक डायग्राम के फॉर्म में भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया तो अब बस इसमें क्या लगा देना होता है बेटा, आप यहां से यहां जा रहे हो, फिर यहां से यहां जाओ, चाहे इस तरीके से जाओ, चाहे इस स्टेप में जाओ, बात एक ही है। तो आप बस इसमें अप्रोच यही लगाओगे, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू इज इक्वल टू एन थ्री ई थ्री, बस ये अप्रोच लगा देते हैं इसमें। एन वन क्या है? एन वन वन है, ई वन मतलब ये क्वेश्चन मार्क, एन टू ये है, ई टू ये है, एन थ्री ये है, ई थ्री ये है, बस इस तरीके से लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। एन वन की जगह पे कितना रखेंगे? वन इंटू ई वन हमारे लिए क्या बेटा? क्वेश्चन मार्क वाली चीज है, तो उसको छोड़ देता हूं, ये हमें पता करना था, ठीक है। पता क्या करना था? ये दिया ही था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क क्यों मारा मैंने? प्लस टू से प्लस थ्री का जेड दिया है ना, प्लस टू से प्लस थ्री का जेड है, तो प्लस थ्री से प्लस टू का कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहे हैं हम लोग? इसकी वैल्यू भी तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस जेड है ना, हमें तो रिलेशन निकालना है ना, अननोन थोड़ी ना इसमें। तो एफी प्लस टू से एफी प्लस थ्री कितना है? जेड। तो प्लस थ्री से प्लस टू का कितना हो जाएगा? माइनस जेड। तो हम लोग यहां माइनस जेड रखेंगे, ठीक है। तो एन वन हो गया वन इंटू ये हो गया माइनस जेड, प्लस एन टू की जगह पे कितना रखोगे? टू इंटू ई टू की जगह पे कितना रखोगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू एन थ्री की जगह पे कितना रखोगे बेटा? थ्री इंटू ई थ्री की जगह पे माइनस वाई, बस ऐसे, ठीक है। तो ये देखो आप एक लाइन में भी निकाल सकते हो, करना इससे भी वही बात है, यहां से भी वही आंसर आएगा आपका। देखो ये कितना हो गया आपका? माइनस जेड, और ये माइनस टू एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस थ्री वाई। तो अगर मैं इसे चाहूं तो माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई प्लस टू एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? टू एक्स। जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो थ्री वाई माइनस टू एक्स। तो देखो चाहे ये निकालो चाहे यहां से निकालो, आंसर एक ही आता है, बस इसका नाम क्या है? लैटिमर डायग्राम, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है, समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलो तो एक न्यूमेरिकल हम लोग अब इसके ऊपर कर लेते हैं बेटा, कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आएगा, जो मैंने आपको अभी एक अननोन के फॉर्म में समझाया, अब इसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैटिमर डायग्राम भी आई होप कि क्लियर हो गया कि क्या चीज होती है ना। अच्छा एक चीज और बस बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर अगर हमने ऊपर तीन से दो से मल्टीप्लाई किया, देखो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, विल एफ ई प्लस टू डिस प्रोपोर्शनेट Will Fe plus 2 disproportionate, है ना? तो अगर ये आपसे पूछ लेता कि क्या Fe plus 2 disproportionation reaction दिखाएगा, क्या disproportionate होगा? disproportionate होने का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही element oxidation number को बढ़ाए भी और कम भी करे, तो क्या Fe plus 2 disproportionation reaction को दिखाएगा, ऐसे पूछ ले तो क्या करना है हमें? तो देखो हमें क्या क्या given था, Fe से जो given था उसे लिख रहा हूं। Fe से Fe plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा? x। दूसरा मैंने दिया था आपको Fe से Fe प्लस थ्री और थ्री इलेक्ट्रॉन, इसके ई नॉट की वैल्यू मैंने कितनी दी थी आपको? y। और थर्ड रिएक्शन आपके पास क्या था? Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री में जाना प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके ई नॉट की वैल्यू क्या थी? z। तो हमसे ये दोनों डेटा, ये नहीं देगा, लास्ट वाला हटा दो, ये दो डेटा देके आपसे, है ना, इन दोनों डेटा को देके आपसे पूछ सकता था क्या Fe प्लस टू डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा, क्या Fe प्लस टू डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। तो इस तरीके का एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, ये चेक करना है कि कोई एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो उसका तरीका क्या है, देखो इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया था, क्या हुआ था? Fe प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने बेटा वैसे ही छोड़ दिया था, नीचे वाले को क्या था? Fe गिव्स Fe प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करो, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो,
इन दोनों रिएक्शंस को जैसे ही जोड़ोगे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रिएक्शन हमें क्या मिलने वाली थी, Fe प्लस टू गिब्स Fe प्लस थ्री, नहीं ये तो हमारा वो हो गया, ये तो हम लोग फिर सेल पोटेंशियल निकालने लगे, है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। तो आप क्या करो, ऊपर वाले रिएक्शन को बेटा आप अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना चाहते हो तो ऊपर वाले रिएक्शन को तीन से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले रिएक्शन को आप दो से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले रिएक्शन को तीन से और नीचे वाले रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करो। देखो किसी के दिमाग में आया होगा कि सर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर कैंसिल आउट कर दे तब तो ई नॉट जोड़ सकते हो, तब आसानी से जोड़ सकते हो ई नॉट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर तीन से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को दो से मल्टीप्लाई करो, तो आप देखो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा तीन से Fe प्लस टू मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा थ्री Fe प्लस टू आ जाएगा, ये छह इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है। इस साइड कितना आया होगा थ्री फेरस, कितना आएगा थ्री Fe, और इस साइड कितना आया होगा बेटा टू Fe, इधर थ्री Fe और इधर टू Fe, तो तीन उधर है दो इधर है, तो फाइनली इधर कितना Fe बचेगा केवल एक Fe बचेगा, ठीक है, और प्लस ये कितना बचेगा टू Fe प्लस थ्री। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं है, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन आया क्या, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं है क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करवा दिया। तो क्या आप इसके ई नॉट को जोड़ सकते हैं, अब इसके ई नॉट को आसानी से जोड़ सकते हो। पहले का ई नॉट कितना था एक्स था, एक्स चूंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है तो ई नॉट कितना हो जाएगा माइनस एक्स। दूसरे का ई नॉट कितना था वाई, मल्टीप्लीकेशन करने से किसी नंबर से ई नॉट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस नए वाले रिएक्शन का ई नॉट कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, नए वाले रिएक्शन का कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप सोचोगे कि सर अगर हमने रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके वो कर लेते तो क्या बेटा जो रिक्वायर्ड रिएक्शन थी, रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या दिया था मैंने, रिक्वायर्ड रिएक्शन तो हमारी ये थी ना, रिक्वायर्ड रिएक्शन ये थी, क्या हमें ये रिएक्शन मिली है, क्या हमें ये रिएक्शन मिला है, नहीं मिला। तो इसी चीज का ध्यान रखना, किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आया होगा कि सर ऊपर वाले में तीन से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले में दो से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा और हम ई नॉट को आसानी से ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ये काम, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड रिएक्शन थी क्या ये रिक्वायर्ड रिएक्शन हमें मिली है, हमें तो ये रिएक्शन चाहिए था, इसका जेड दिया था ना मैंने आपको, इसका ई नॉट कितना दिया था जेड, तो क्या जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो मिली है, वो हमें मिला नहीं है, हमें तो एक अलग तरीके की रिएक्शन मिल गई Fe प्लस टू Fe Fe प्लस थ्री, है ना। तो ये क्वेश्चन तब बनता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट आप करवा सकते हो पर उसके लिए एक अलग से ही क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, क्या विल Fe प्लस टू डिस्प्रोपोर्शनेट, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाला है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब पता हो तो एक ही एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता भी है और वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को अपने कम भी करता है। तो यहां पे देखो प्लस टू से ये किस में जा रहा है बेटा जीरो में, प्लस टू से जीरो में गया, और यही प्लस टू देखो आपको किस में जा रहा है प्लस थ्री में, तो एक जगह पे इसका रिडक्शन हुआ है, इस यहां पे क्या हुआ रिडक्शन, और प्लस टू से प्लस थ्री में जाने का मतलब यहां पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हमारा क्वेश्चन अगर ये होता विल Fe प्लस टू डिस्प्रोपोर्शनेट, केवल इसी के लिए नहीं किसी भी जनरल क्वेश्चन में आपको पूछे क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन एलिमेंट दिखाएगा, तो वहां पे आपको एटलीस्ट दो वैल्यू जरूर गिवन रहेगा, है ना, और आप उन दोनों की हेल्प से एक नई रिएक्शन बनाओगे और जिसके बारे में पूछा उसको डिस्प्रोपोर्शनेट कराओगे। प्लस टू का पूछा था तो इसको मैंने रिडक्शन भी करा दिया, इसी का ऑक्सीडेशन भी हो गया है, ऐसे रिएक्शन को जोड़ा मैंने, और इलेक्ट्रॉन तब पूरी तरह से कैंसिल आउट होंगे ही होंगे। अब अगर इस रिएक्शन का, अब ये हम लोगों का आंसर विल Fe प्लस टू डिस्प्रोपोर्शनेट, क्या डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर कैसे मिलेगा, अगर बेटा इस E नॉट सेल की वैल्यू, इट्स E नॉट जो निकाला ये, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, अगर ये E नॉट हम लोग वैल्यू तो डेटा गिवेन होगा, इसका ई नॉट गिवेन ही रहेगा हमसे जब पूछेगा, तो इन दोनों का ई नॉट क्या रहेगा न्यूमेरिकली गिवेन, तो आप इस तरीके से सेल तैयार करोगे उसका ई नॉट निकालो, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपका आंसर होगा यस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो करेगा, Fe प्लस टू डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। लेकिन अगर इसका ई नॉट कैलकुलेशन के बाद आपका निगेटिव आ गया तो हमारा आंसर होगा नो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने वाला नहीं है। आई होप कि समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा तो उसके अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन
तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप कि अगर आपसे कभी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछे क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, तो आपको दो डेटा गिवेन रहेंगे बेटा, उसके करेस्पॉन्डिंग आप रिएक्शन लिखो, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कराओ और आप उसका रिक्वायर्ड रिएक्शन का ई नॉट कैलकुलेट करो। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, निगेटिव आएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से किस तरीके से इसे यूज करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। लैटिमर डायग्राम का मीनिंग क्या है वो भी हमने समझ लिया है। अब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एक हम लोग न्यूमेरिकल इसके ऊपर लगा लेते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि कैसे करना होता है इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लगा लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है बेटा, कैलकुलेट कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। आपको एक रिएक्शन दिया है उसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। रिएक्शन दिया है Cu प्लस टू एक्वस प्लस Ir प्लस टू एक्वस गिब्स Cu प्लस एक्वस प्लस Ir प्लस थ्री एक्वस, ये आपको रिएक्शन दिया है और इसका आपको के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना है और साथ में हमें गिवेन है E नॉट ऑफ Cu प्लस टू ऑब्लिक Cu प्लस इज इक्वल टू 0.15 वोल्ट, पहला गिवेन है। दूसरा डेटा आपको गिवेन है E नॉट ऑफ Ir प्लस टू ऑब्लिक Ir प्लस इज इक्वल टू -0.40 वोल्ट। ठीक है, और एक थर्ड डेटा आपको गिवन है E नॉट ऑफ Ir प्लस थ्री ऑब्लिक Ir प्लस इज इक्वल टू -0.42 वोल्ट। सचिन सुमित नहीं आएगा क्या? उसी का है ना अभी। ठीक, तो ये तीन डेटा आपको गिवन है, Cu प्लस टू से Cu प्लस के लिए 0.15, Ir प्लस टू से Ir प्लस के लिए माइनस का 0.40 और प्लस थ्री से प्लस वन में माइनस का 0.42, और आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो मुझे दो दिख रहे हैं, एक तो इसमें Cu प्लस टू से Cu प्लस में जाना, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे लिए, ये हमारा रिडक्शन हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया रिडक्शन। और दूसरा देखो तो आप Ir प्लस टू से Ir प्लस थ्री में जाना, मतलब ये क्या हुआ है हमारे लिए ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो इसका अगर ई सेल निकालना हो हमें तो हमें के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला कल ही डायरेक्ट बताया मैंने, क्या एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमने ई नॉट सेल का के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला निकाला था। अगर मुझे ई नॉट की वैल्यू मिल जाए बेटा, ई नॉट की वैल्यू, तो ई नॉट की वैल्यू मिलते ही क्या मैं इसका के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ई नॉट कैसे मिलेगा, तो ई नॉट कैसे निकालोगे, ई नॉट ऑफ सेल, तो इसका ई नॉट सेल क्या लिखोगे बोलो, इस रिएक्शन का E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू Cu प्लस टू से Cu में जाना, एक तो E नॉट किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, Cu प्लस टू से Cu प्लस में जाना, मतलब रिडक्शन वाले की जरूरत पड़ेगी, प्लस प्लस E नॉट ऑफ किसकी जरूरत पड़ेगी, Ir प्लस टू से Ir प्लस थ्री में जाने की। सही है ना, एक एनोड हाफ सेल का निकालते हैं और एक कैथोड का, ये हमारे लिए एनोड हाफ सेल हो गया, प्लस टू से प्लस थ्री में जाना, ये प्लस टू से प्लस वन में जाना मतलब कैथोड हाफ सेल, तो हमारा ये एनोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है और दूसरा वाला कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है। तो इसका ई नॉट सेल कैसे लिखोगे, प्लस टू से प्लस वन वाले की वैल्यू मिल जाए कैथोड हाफ सेल की, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए प्लस टू से प्लस थ्री। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो कलाकारी कर दिया उसने, Cu प्लस टू से प्लस की तो वैल्यू दे दिया हमें, लेकिन प्लस टू से प्लस थ्री का डेटा हमें नहीं दिया। तो मेरा मेन पर्पज ये है कि ये वाली वैल्यू को यहां पे पता करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप निकाल ही सकते हो, इसके लिए तो सीधा फॉर्मूला है। आपको मेन पर्पज ये है कि यहां पे प्लस टू से प्लस थ्री का डेटा आपको कैलकुलेट करना है, और प्लस टू से प्लस थ्री का डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो प्लस टू से प्लस थ्री का डेटा निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, प्लस टू से प्लस वन का इंफॉर्मेशन है, प्लस थ्री से प्लस वन का इंफॉर्मेशन है, तो मुझे प्लस टू से प्लस थ्री को बनाना पड़ेगा, जो अभी मैंने समझाया था उससे हमें निकालना पड़ेगा। तो आप जिससे चाहो उससे करो, या तो आप डेल्टा जी का रिएक्शन लिख के करो या लैटिमर डायग्राम से कर लो। तो चलो हम लोग लैटिमर डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं क्योंकि वो जल्दी कर देगा थोड़ा सा। तो हम लोग आई एन प्लस थ्री फिर से कम किया, कहां पे जाएंगे आई एन प्लस टू, और फिर से कहां पे जाएंगे आई एन प्लस पे। ठीक
ठीक है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले चार्ज को जो जो चाहिए था, क्योंकि प्लस टू प्लस थ्री है और प्लस वन है, तीनों को लिख लिया हमने, और एक हमें प्लस थ्री से प्लस वन का भी है, मतलब ये भी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है यहां पे। तो जैसे अभी मैंने बताया सेम वैसे कर लो, आप चाहो तो डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में भी कर सकते हो। पहले रिएक्शन को लिख लो, सेकेंड रिएक्शन को लिख लो, क्या करोगे? देखो पहले रिएक्शन को अगर डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में कोई करना चाहे तो कैसे लिखेगा, आई एन प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, नहीं प्लस इलेक्ट्रॉन, गिब्स क्या हो जाएगा उसके लिए, आई एन प्लस, पहले का ये रिएक्शन बनेगा। दूसरे से क्या रिएक्शन बनेगा बेटा, आई एन प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन, गिब्स क्या, आई एन प्लस, ये रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप अब हमें जो रिक्वायर्ड रिएक्शन थी हमें तो इसके करेस्पॉन्डिंग चाहिए था, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, आई एन प्लस टू गिब्स आई एन प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे। तो हमें ये रिक्वायर्ड रिएक्शन ये है हमारी, तो मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे मैनिपुलेट करूं कि मुझे लास्ट वाली रिएक्शन मिल जाए। तो क्या करना चाहिए हमें, ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करके जोड़ दो, ऊपर वाली को रिवर्स करके नीचे वाले में जोड़ दो, तो आई एन प्लस इधर आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मिल जाएगा। तो मतलब जो थर्ड रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसे ऑप्टन होगी, फर्स्ट को रिवर्स करो, फर्स्ट को रिवर्स करोगे तो आई एन प्लस विल गिव आई एन प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड को वैसे ही रहने देते हैं, सेकेंड क्या था, आई एन प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स आई एन प्लस, ठीक है ना। तो सेकेंड को मैंने रिवर्स कर दिया, और इन दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते ही हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। कैसे, प्लस से प्लस कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आई एन प्लस टू विल गिब्स आई एन प्लस थ्री, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और दो इलेक्ट्रॉन इधर है, तो एक इलेक्ट्रॉन। तो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल गई, और आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल गई है बेटा, तो अब क्या करो, बस डेल्टा जी नॉट का कॉन्सेप्ट लगा लो। इसके लिए डेल्टा जी नॉट वन निकालो, डेल्टा जी नॉट वन कितना आता है इसके लिए, इसके लिए डेल्टा जी नॉट वन कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं है ना, माइनस एन एफ ई। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि रिएक्शन लिखनी पड़ जाती है ना हमें, तो इसलिए मैंने ये आपको शॉर्टकट वाला लैटिमर वाला बता दिया, वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। डेल्टा जी नॉट वन निकालो, फिर इसके लिए डेल्टा जी नॉट टू, फिर आपको डेल्टा जी नॉट थ्री, उन दोनों से कैसे मिला है उस तरीके से करना पड़ता है। तो इसलिए वो पार्ट थोड़ा सा करने के लिए उससे भी होगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेल्टा जी नॉट वन, डेल्टा जी नॉट टू, डेल्टा जी नॉट थ्री, रिलेशन निकाल के सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट वन मैं डेटा नहीं लिख रहा हूं, ये डेल्टा जी नॉट वन आएगा यहां से। इस सेकेंड रिएक्शन के लिए आप क्या मानोगे बेटा, डेल्टा जी नॉट टू मानोगे, ठीक है, और थर्ड रिएक्शन का आप क्या माने होगे, डेल्टा जी नॉट थ्री। तो हमें देखो पहले वाले रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है ना, फर्स्ट रिएक्शन को, तो फर्स्ट को रिवर्स करोगे तो उसका डेल्टा, मतलब फर्स्ट को रिवर्स कर दिया तो जो भी मान लो डेल्टा जी नॉट वन की वैल्यू एक्स होगी, तो रिवर्स करते कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स। सेकेंड को सीधा रखा है और थर्ड को हमने जोड़ के निकाला है, तो क्या यहां से मैं डेल्टा जी नॉट थ्री इक्वल टू लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट टू तो सीधा ही है और फर्स्ट को चूंकि मैंने रिवर्स किया है तो डेल्टा जी नॉट वन, तो इसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा। पर ये वाला ज्यादा अच्छा होता है, लैटिमर डायग्राम से आसानी से तुरंत आप निकाल सकते हो। तो देखो क्या क्या डेटा गिवन है, निकालो इसमें सॉल्व करते हैं। आई एन प्लस थ्री से प्लस टू, प्लस थ्री से प्लस टू कहाँ है, प्लस थ्री से प्लस टू, ये हमारे लिए तो अननोन ही है, प्लस थ्री से प्लस टू हमारे लिए क्या है, अननोन है, ये निकालना है बेटा। और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखो कितने का है, वन का, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह इसको मान लो ई मान लिया, जो निकालना है इसे हमने ई मान लिया इसका। प्लस टू से प्लस वन की वैल्यू दी है क्या, प्लस टू से प्लस वन, तो प्लस टू से प्लस वन कितना दिया है, माइनस पॉइंट फोर जीरो, ठीक है। और प्लस थ्री से प्लस वन की भी वैल्यू दी है क्या, प्लस थ्री से प्लस वन कितना दिया है, माइनस पॉइंट फोर टू, माइनस पॉइंट फोर टू। अब इलेक्ट्रॉन की बात करो तो दो से एक में जाने का मतलब यहां पे इनकी वैल्यू वन, और यहां तीन से एक में जाने का मतलब यहां पे इनकी वैल्यू दो, तीन से किस में जा रहे हैं, एक में, तो इनकी वैल्यू कितनी, दो। तो बस अब इसमें क्या लगा दूंगा, मैं वही लगा दूंगा, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू इज इक्वल टू एन थ्री ई थ्री। तो बस वैल्यूज को रख दो, एन वन की जगह पे कितना रखोगे, वन इंटू ई वन हमें पता करना है, प्लस एन टू की जगह पे कितना रखोगे, वन इंटू ई टू की जगह पे माइनस पॉइंट फोर जीरो इज इक्वल टू, एन थ्री की जगह पे कितना रखोगे बेटा, टू इंटू ई थ्री की जगह पे माइनस पॉइंट फोर टू, ठीक है। तो यहां से देखो ई वन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ई वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा, पॉइंट एट फोर, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का पॉइंट एट फोर, और ये इधर जाके प्लस का पॉइंट फोर जीरो, मतलब ई थ्री ई वन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे लिए,
माइनस 0.84 और 0.40, मतलब माइनस का 0.44 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 0.44। तो ये E1 मतलब क्या है बेटा? प्लस 3 से प्लस 2। आगे की तरफ देखते हैं ना, प्लस 3 से प्लस 2 की वैल्यू है माइनस में, और हमें किसके लिए चाहिए थी? हमें चाहिए प्लस 2 से प्लस 3। प्लस 3 से ये जो आया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ किसका? IN, प्लस 3 से प्लस 2 की। IN प्लस 3 से प्लस 2 की वैल्यू है हमें मिल चुकी। तो प्लस 3 से प्लस 2 की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? प्लस 2 से प्लस 3। तो प्लस 2 से प्लस 3 के लिए क्या हो जाएगा? केवल यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मुझे IN ऑफ IN बोल रहा हूं, ई नॉट ऑफ IN प्लस 2 ऑब्लिक IN ऑफ प्लस 3 चाहिए, तो ये केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 0.44 हो जाएगा। कितना? प्लस का 0.44 हो जाएगा। और देखो आपको ये वैल्यू मिल चुकी है यहां से, ठीक है, और ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है? गिवेन है। तो बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से, वहां से मैं यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं। देखो E नॉट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? पॉइंट का 15, ठीक है, प्लस प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ चुकी है? पॉइंट का 44, पॉइंट 44, और इन दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा? पॉइंट 0.59। और देखो आसानी से अब आप के इक्विलिब्रियम निकाल लो। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या? 10 एन ई नॉट अपॉन 0.059। तो यहां से आप n की जगह पे कितना रखोगे? n की वैल्यू कितनी रखोगे? तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को बताता है। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? देखो प्लस 2 से प्लस 1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, प्लस 2 से प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने वाले कितने? 1 ही है। तो 1 इंटू ई नॉट की वैल्यू 0.59 अपॉन 0.059। तो देखो डेटा भी ऐसा देता है कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये इसका क्या है? 10 टाइम्स है क्या? तो इसका मतलब आंसर विल बी 10 रेस टू 10। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, 10 रेस टू 10। तो आई होप कि समझ में आया कैसे यूज करना है उसे। तो एक अप्रोच तो ये भी है जो मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने स्किप किया इस पार्ट को। आप डेल्टा जी नॉट के फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, बट आप देखो टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शंस लिखना है, फिर डेल्टा जी नॉट लिखना है, माइनस एन एफ ई फॉर्मूला एक और लगा के फिर निकालना है, और ये रिलेटिवली आपका टाइम कम कंज्यूम करता है। तरीका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, प्लस 3 से प्लस 2, प्लस 2 से प्लस 1, और जो वैल्यू गिवेन है ई ऊपर लिखो, एन नीचे रखो, और बस इस तरीके से आप रिलेशनशिप लगा के सॉल्व कर लो। तो ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, पर आंसर उससे भी निकल के आता है। पर सही तरीका माना जाए तो वही है। ये तो बस एक तरीका हो गया लाइटिमर डायग्राम शॉर्टकट थोड़ा जल्दी निकालने के लिए, ठीक है। तो आज हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख लिया कि कैसे चेंज करना है। तो आज मैंने एक ही टॉपिक काफी ज्यादा टाइम ले लिया है समझाने में। तो ये रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा माइंड में। इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम के अंदर, तो हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा एक और बस हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बचा है ना, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं और डेल्टा एस कैसे निकालते हैं रिएक्शन का। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करते हैं, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लूंगा और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, किस तरीके से। और फिर हम लोग लास्ट एक दो लेक्चर और लगेंगे, गैल्वेनिक सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।